गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम तक मैं सोई रह गई, बज गए हैं 5:30 हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2 बजे रात तक, मतलब 2 बजे रात से ही मैं जगी थी और वीडियो एडिट किया, अपलोड किया, उसके बाद फिर उठ गई, घर के कामों में लग गई, तो मुझे नींद बहुत तेज आ रही थी। हस्बैंड जब चले गए, मतलब वो निकल गए थे 11 बजे तक, उसके बाद मैं मतलब 12 बजे से ही सोई हूँ, 5 घंटा पूरा सोई हूँ। पर ज़्यादा सो लेती हूँ ना तो फिर मेरा मतलब माथा जो है वो भारी हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी सोती नहीं हूँ। लेकिन रात भर जगने की वजह से नींद मुझे अपने आप आ गई। तो वहाँ देखिए लड्डू गोपाल भी उठ चुकी हैं और अब चलती हूँ। बर्तन वगैरह तो मैंने क्लीन ही कर लिया था, घर भी साफ है, तो अभी जाऊँगी छत से कपड़े ला के फोल्ड कर दूँगी और बनाती हूँ चाय पीने के लिए। तो चलिए किचन में चलते हैं चाय बनाने, ताकि चाय पी के हो सकता है मतलब सर का दर्द थोड़ा कम हो। तो जो ब्लैंकेट मैं ओढ़ के सोई थी उसे फोल्ड करके मैं एक साइड में रख दूंगी। अब बेड को मैं क्लीन कर दूंगी ताकि बेड जो है वो साफ साफ क्लीन दिखे। तो अभी मैं किचन में जाती हूँ और बना लेती हूँ चाय। चाय मैं गैस पे चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं बाकी के काम जो है वो निपटा लूंगी। और जब तक मैं बाकी के काम करूंगी तब तक यहाँ चाय जो है वो बन जाएगी। और स्लो फ्लेम पे मैं छोड़ के जाऊंगी इसे। और सर में दर्द है तो सोच रही हूँ कि थोड़ा कड़क चाय बनाऊँ, पीने के बाद हो सकता है सर का दर्द जो है मेरे चला जाए। तो अभी जैसा ना बाहर में जो मिट्टी पड़ी हुई है मलबा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में धूल हो जाता है, और ख़ास करके मेरा ये एरिया बरामदे का एरिया, तो बस मैं बरामदे के एरिया में ही झाड़ू लगा रही हूँ। बाकी अंदर तो उतना मतलब डस्ट नहीं था, तो यहाँ ही मैं झाड़ू लगा लूँगी। और टाइल्स पे आपको मतलब जो डस्ट है वो नहीं दिखेगा, तो डस्ट है पर निकल रहा है। और पूरा पैर में ऐसे ही बिना स्लीपर के अगर चलती हूँ ना तो पूरे पैर में जो है वो महसूस होता है कि हाँ धूल जो है, आप देख सकते हो कितनी धूल निकल रही है, और काफ़ी धूल था। बच्चे जब भी अंदर जा रहे थे, अंदर बाहर कर रहे थे, तो उनके पैर से लग के धूल जो है वो अंदर आ जा रही थी। और बिस्तर पे भी बच्चे चढ़ जाते हैं, बच्चे हैं उन्हें कितना समझाऊंगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं डेली शाम को यहाँ पे पानी डाल दिया करूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो धूल है वो बैठ जाएगी, तो शायद हो सकता है कि मतलब गर्दा इतना ज़्यादा ना उड़े। और वैसे भी अब सीज़न भी आ गया है लू वाला, तो इस समय तो गर्दा उड़ना ही उड़ना है। अगर हमारी तरफ से नहीं उड़ेगा तो कहीं और से गर्दा आएगा, पर आएगा ज़रूर। और मौसम हमारे यहाँ का बिल्कुल अब गर्म गर्म हो गया है, बस शाम सवेरे की ठंड रह गई है। पर मौसम जो है ऐसा ही मौसम मुझे अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्मी, पर गर्मी तो पड़ने वाली है और सोच के ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने अभी पानी का छिड़काव कर दिया है। ये चाय बन गया है और चाय आप भी पी लीजिए। मैंने आज चाय बहुत कड़क बनाया, अदरक वगैरह ज़्यादा मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो। अदरक और चाय पत्ती ज़्यादा रख के कड़क इसलिए बनाया है ना, क्योंकि मतलब सर में दर्द था, तो मैंने सोचा कि कड़क चाय पीऊंगी तो हो सकता है कि मतलब सर का दर्द जो है वो गायब हो जाए। और अभी छत पे चलते हैं, दिया जोड़ने का समय हो गया। थोड़ा सा कपड़े भी ले लूँगी और थोड़ा सा टहल भी लूँगी, अच्छा लगेगा। तो अभी चलिए, अभी 6 बजे दिया जोड़ना है और अभी 6 बजने में हैं 10-15 मिनट कम, तो अभी चलते हैं छत पे। क्या ले रही हो सभी? छत पे आना होगा ना सभी। अभी पौधे में पानी भी डालना था, पौधे में पानी भी नहीं डाल पाई हूँ, तो अभी डाल देती हूँ जब तक चाय हो रहा है ठंडा। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़ा ही कपड़ा था सिर्फ मेरा, तो मैं कपड़े पहने ले लेती हूँ। और अब तो गर्मियों का सीज़न आ रहा है, पानी जो है पौधों को डेली चाहिए होगा। तो और आज देखिए मैं डिनर में आप लोग के साथ एक बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पर मैं आज लग रहा है बना ही दूँगी, आज मैं कर ही लूँगी। बच्चों का बहुत दिन से डिमांड था पर मैं बना नहीं पा रही थी, तो पानी मैंने डाल दिया है पौधों में। मैंने सारे वेजिटेबल्स को कट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो सभी वेजिटेबल्स को मैंने अच्छी तरीके से वाश करके, 2 बार मैंने वाश किया है, जब मतलब मैं वेजिटेबल खरीद के लाई थी तब, और फिर उसके बाद से कट मतलब जब उसको उसका छिलका जो है ना उतारने के बाद, फिर मैंने मतलब इसको वाश किया, फिर कट किया, फिर मैंने वाश किया, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी थी। और गोभी जो है आपको पता है कि मैं बिना गोभी बॉयल किए नहीं बनाती हूँ गोभी को, तो गोभी भी मैंने बॉयल कर लिया। और यहाँ पे देखिए कुकर मैंने चढ़ा दिया है,
आप सोच रहे होंगे कि क्या रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो बस आप ब्लॉग में आगे बने रहिए, आपको आगे पता चल जाएगा मैं आप लोग के साथ क्या रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं YouTube पे जब से आई हूँ तो ये रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, मैं फर्स्ट टाइम ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ जो है कट किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे वेजिटेबल्स जो है मैंने कट कर लिया था, अच्छी तरीके से वाश कर लिया है, फिर कट कर दिया है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, जैसा कि ये मटर है और धनिया की पत्ती, आलू मैंने इस आकार में कट किया है, आलू है, गाजर है, चुकंदर है, गोभी है, गोभी को मैंने बॉयल करके वाश किया है, और ये लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट है। मतलब आप अगर लाल मिर्च अवॉइड करना चाहते हो तो आप यहाँ हरी मिर्च मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि इस रेसिपी में हरी मिर्च जाएगी, जहाँ तक लोग लाल मिर्च ही डालते हैं। और यहाँ पे प्याज कट कर लिया है, शिमला मिर्च है, नींबू है, और ये मसाले हैं रूटीन के, जैसा कि नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये गर्म मसाला है। और इस रेसिपी की जान ये मसाला है, अगर मैं सीधे दिखा दूंगी ना तो आप लोग पकड़ लोगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसे हाइड कर दिया है, जब मैं डालूंगी तो आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पे बटर है, तो चलिए अभी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए, कुकर अच्छे से गर्म हो गया है, कुकर गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप चाहो तो सरसों का डाल सकते हो। अब मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, जीरा चटक गया है, और इसमें मैंने डाल दिया गोभी, गोभी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इस रेसिपी को जो बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, मैंने देखा है भूनते नहीं हैं, तो इसकी वजह से मतलब फ्लेवर जो है वो खुल के नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आप लोग बनाइएगा तो हर चीज़ को ज़रूर भून लीजिएगा, जैसे कि गोभी भून जाएगी उसके बाद आप आलू को भून लीजिएगा, और मतलब हल्का हल्का ही भूनिएगा पर भून जरूर लीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आलू भून गया है, मैंने डाल दिया है गाजर, चुकंदर, इन सबको अच्छे से मिक्स करके बस 1-2 मिनट और भूनूंगी, फिर मैं डाल दूंगी इसमें मसाले, मसालों में जैसा कि हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, बस यही डालना है। और अभी ज़्यादा मैंने नमक नहीं डाला है, बाद में और नमक ऐड कर लूँगी, जब मतलब इसकी फुल रेसिपी आने की फाइनल जब बनेगी ये, तब मैं एक बार नमक चेक करके ज़रूर इसमें डालूँगी। और अच्छे से चला लेना है 1-2 मिनट और भून के, इसमें मटर डाल देना है और टमाटर भी मैंने डाल दिया इसमें, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा मतलब ग्लास डाल लेना है, चाय ग्लास से आधा ग्लास, क्योंकि सब्जियाँ जो है फ्रेश है ये भी पानी छोड़ेंगी, तो इसकी वजह से हमें कम ही पानी डालना है इसमें। और लगा देती हूँ 2-3 सीटी, लगा देनी है 2-3 सीटी की सब्जी जो है अच्छे से गल जाए। तो अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से सारी सब्जियां जो हैं वो गल गई हैं। अब पानी आपने देखा ना कि मतलब 1 ग्लास से थोड़ा कम है, मैंने आधा ग्लास डाला है पर ज़्यादा हो गया है। और इसे अच्छी तरीके से स्मैश करना है कि बहुत अच्छी तरीके से स्मैश हो जाए। मुझे लगता है आधे लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। और अभी मैंने लिया रिफाइंड ऑयल, और सॉरी बटर डालते हुए मैं आपको नहीं दिखाई, तो वही मैं कलछी से दिखा रही थी कि बटर भी मैंने लिया है, 1/2 क्यूब मैंने बटर लिया है, और मैंने इसमें डाला है प्याज, प्याज हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस सौते होगा, तो इसमें शिमला मिर्च डाल देना है, मटर डाल देना है, और इसे भी बस पकाना है जब तक कि मटर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तभी देखिए सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब गोल्डन नहीं हुआ है पर पक गया है। फिर मैंने डाल दिया टमाटर और बाकी सारे मसाले जो मैंने डाले थे सब्जी में, वही सारे मसाले डाल देने हैं। और ये लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें इसी का जो फ्लेवर है वो बहुत उभर के आता है। तो अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। और अभी देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे भी मैं थोड़ा सा स्मैश करते हुए चला लूँगी, और जितना आप इसे स्मैश करोगे उतना ही अच्छा होगा ये। तो मैं इसे अच्छे से स्मैश कर लूँगी, इसके बाद मैंने जो हाइट करके आपको मसाला दिखाया था वो डालूँगी। अब आप देख लीजिए मैं क्या बना रही हूँ, पाव भाजी मसाला है ये, और मैं पाव भाजी बना रही हूँ। तो ये 5 रुपये का एक पैकेट आता है, एवरेस्ट का है, आप किसी कंपनी का ले सकते हो। इसे भी मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जो मैंने भाजी मतलब अच्छे से मैश करके रखी थी सारी सब्जियों को, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसे चलाते हुए 1-2 मिनट भूनूंगी। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 ग्लास पानी, पानी आप ज़्यादा ना लें, या आप पतला खाना चाहते हो तो आप थोड़ा डाल सकते हैं, पर मैं ये मार्केट के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने पानी ज़्यादा नहीं लिया है। और मैं इसे फिर से स्मैश कर लूँगी, जितना आप स्मैश करोगे ना उतना इसमें स्मूथनेस आएगा, और यही है इसका मतलब राज, कि जितना भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो उतना आप करिए। और फिर मैंने लास्ट में नमक डाल दिया है, नमक थोड़ा कम था तो नमक डाल दिया है, और लास्ट में मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ, 1 नींबू मैंने कट करके उसके बीज निकाल दिए थे, और उसे मैं डाल देती हूँ। और अब देखिए पाव भाजी का
कितना अच्छा मतलब कलर भी आया है और कितना अच्छा ये बना है और बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल होटल के जैसा लग रहा था। रुपेश को बहुत पसंद आया, दोनों बच्चों को अच्छा लगा। और मैं पाव को अच्छे तरीके से कट कर लूँगी और फिर मैं लूँगी तावा। तावा जो है गर्म हो गया है तो इस पर मैं डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड तेल की बटर जो है वो जले ना, फिर इसमें मैं बटर डाल दूंगी, धनिया की पत्ती डाल दूंगी और एक चम्मच भाजी डाल दूंगी और इन सभी को एक साथ मिक्स कर लूंगी। अब पाव को जो मैंने कट किया है तो उसके बीच के साइज को मैं इस पर फैला दूंगी कुछ इस तरीके से। अब दोनों तरफ हमें इसे सेक लेना है, पीछे से मतलब ये सीख गया है, अब इसे मतलब आगे से ये सीख गया है, पीछे से इसे सेक लेती हूँ। और लग रहा ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल, बहुत टेस्टी लग भी रहा था, वाकई में मार्केट जैसा लग रहा था। अगर हम मार्केट में इसे खाने जाएंगे तो 100-150 रुपये पड़ जाते हैं, और 200 रुपये में मैंने मतलब इतना बना दिया ना कि बच्चे खा खा के थक गए। फिर ये देखिए तैयार हो गई है थाली, आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए पाव भाजी। फिर उसके बाद सभी ने जो है डिनर कर लिया है और लग गई हूँ मैं अब किचन क्लीनिंग में, क्योंकि ये सब आइटम बनाइए ना तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो सारे प्लेटफॉर्म पे गैस के ऊपर सारे ऑयल जो है वो मतलब ऑयल का छींटा पड़ गया था, तो मैं सारे किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने किचन जो है क्लीन कर दिया है और अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ, एक गिलास पानी पीऊँगी गर्म मैं, क्योंकि जब भी हम कोई ऑयली चीज़ खाते हैं तो हमें एक गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए सोने से पहले। और ये मैं बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ, मतलब रात को सोने से पहले मैं एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ तो एक गिलास मतलब गर्म पानी से ही मैं अपनी थायराइड की गोली लेती हूँ। और देखिए सारे लाइट्स मैंने बंद कर दिए हैं, बस अब हमें सोना है, थोड़ा रुपेश पड़ेगा उसके बाद से फिर हम सो जाएंगे। और एक जग पानी मैं इसमें डाल के रख देती हूँ क्योंकि रात में हस्बैंड आएंगे तो उन्हें भी गर्म पानी ही चाहिए होता है, तो इसकी वजह से मैं पानी रख देती हूँ इसमें एक गिलास। और मैंने किचन कर दिया है क्लीन, आपने देखा है, आपने देखा ही है। ड्रेस निकाल दीजिए। हाँ जा रहे हैं निकालने, तो अभी ड्रेस बच्चों का निकाल दूंगी। तो 14 फरवरी से बच्चों का स्कूल जो है रीओपन हो गया है, तो बच्चों का जो ड्रेस था मैंने दीवान में रख दिया था कि बाहर गंदे होंगे, तो वही सारे ड्रेस निकाल दूंगी और सारे ड्रेस को मैं आयरन कर लूंगी, रात में ही सारी तैयारी कर लूंगी कि बच्चे कल स्कूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर जरा भी कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करके ही जाइएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेंबर में, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर किया करिए। तो अब मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, और देखिए नेक्स्ट वीडियो क्या आता है। तो अभी गुड नाइट, गुड नाइट बोलो बच्चों, गुड नाइट।